आज यानी 1 अप्रैल को नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई बदलाव हुए हैं। इस महीने की शुरुआत के साथ ही कई नए नियम लागू हो गए हैं जो कि सीधा आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं। ये नियम LPG सिलेंडर के रेट, फास्टैग, पैन आधार लिंकिंग से जुड़े नियम शामिल हैं। चलिए एक एक करके जान लेते हैं कि ये नियम किस तरह आपके दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट सेटिंग के रूप में लागू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जब तक आप स्पष्ट रूप से ओल्ड टैक्स रिजीम नहीं चुनते हैं, आपके टैक्स का मूल्यांकन ऑटोमेटिक रूप से नई टैक्स रिजीम के तहत किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2023 से करते हुए इनकम टैक्स रिजीम से जुड़े नियमों में बदलाव किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि नई कर व्यवस्था में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके साथ ही नए इनकम टैक्स रिजीम के तहत टैक्स रिवेन्यू की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग यूजर्स के लिए KYC अपडेट करने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 तक तय की थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। अगर आप इस तारीख तक KYC अपडेट नहीं कराया है तो अब आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। NHAI ने घोषणा करते हुए कहा था कि वन व्हीकल वन फास्टैग बैन के तहत बिना KYC वाले फास्टैग को ब्लैकलिस्ट या डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। वहीं फास्टैग के लिए KYC नहीं होने पर आपको दोगुना टोल चुकाना पड़ सकता है। ऑयल मार्केट कंपनी ने अप्रैल महीने की शुरुआत के साथ LPG सिलेंडर के रेट में कटौती की घोषणा की है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 32 रुपए तक कम हो गई है। पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 तक तय की गई थी। अगर आपने इस डेडलाइन तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो अब आपका पैन नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल के बाद पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको 1000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। प्रोविडेंट फंड बैलेंस को मैनेज करने के लिए ऑटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम लागू किया गया है। इसका मतलब ये है कि नौकरी बदलने के समय PF बैलेंस को ट्रांसफर करना अब आसान हो गया है। इसके तहत अब जॉब चेंज करने पर आपका पुराना PF बैलेंस ऑटोमेटिक रूप से नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इससे PF अकाउंट होल्डर्स को बड़ी राहत होगी।